उन्होंने माँ बेटे ने ड्रामा बना रखा है क्या? एक गलती करे और एक माफी मांगता फिरे। पर भैया वो भैया छोड़ो। भैया बच्चे से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। बिन बाप का बच्चा है। बहन देख, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे फोन ठीक कराने के 12,000 रुपए लगेंगे। मेरे को मेरे पैसे दे दो, मुझे सिर्फ इतना ही पता है, बात खत्म। 10-12 हज़ार रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरी तो बस ये छोटी सी दुकान है। तो मैं क्या करूँ? तुम दोनों ने माँ बेटे ने ड्रामा बना रखा है क्या? एक गलती करे और एक माफी मांगता फिरे। पर भैया वो भैया छोड़ो। मैं इसके पैसे तो लेकर रहूंगा, और तुम दोनों को मेरा घर पता है ना? मेरे घर पर आकर पैसे देकर जाना इसके। तुम दोनों के पास 2 दिन का समय है सिर्फ। और हाँ, तू सुन ले, अगर तू मुझे दोबारा पार्क में दिखाना तो तेरे को वहीं से मारता हुआ लेके जाऊंगा। भैया थोड़े अगर पैसों का इंतजाम हो जाए। दीदी मेरे पास पैसे तो भी है नहीं, सारे पैसे जो है ना वो माँ के इलाज में लग गए, अब कहीं और देख लो। मम्मी ये लो पैसे। बेटा इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? वो मैंने ना अपनी गुल्लक तोड़ी थी। ये पैसे आप उन अंकल को दे देना, आखिर मेरी गलती से ही तो उनका फोन टूटा है। बेटा ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम ही रखो इनको, और जब मुझे जरूरत होगी ना तो मैं खुद ही मांग लूंगी। लेकिन मम्मी जरूरत तो अभी ही है ना। कोई बात नहीं बेटा, कहीं ना कहीं से पैसे हो ही जाएंगे। पर कैसे? भैया क्या आपके पैसे कर लिए पैसे आप लोगों ने अरेंज? हाँ। कहाँ से किए? कर्जा देने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। कमी तो नहीं है, लेकिन फ्री में थोड़ा ना दिया होगा किसी ने कर्जा। हाँ गिरवी रखी है, इसके पापा की बाइक, बच्चे से बाप की आखिरी निशानी भी छीन ली। छीना नहीं है, धीरे धीरे करके सारे कर्जा चुका दूंगी। ये लो पैसे। बहन अब ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। क्यों भैया, आप तो इतना गुस्सा कर रहे थे उस दिन इन पैसों के लिए। हाँ गुस्सा तो हुआ था मैं, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि मेरे फोन की तो इंश्योरेंस हो रखी है। कंपनी वालों ने मेरा फोन फ्री में ठीक कर दिया। जब मेरा फोन फ्री में ठीक हो गया तो मैं इन पैसों का क्या करूंगा, इसलिए आप इन पैसों को आप रख लीजिए। उस दिन मैं आपको गुस्से में बहुत कुछ बोल गया, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। और देखो गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल जाता है ना, माफ कर देना बहन मेरी किसी बातों का बुरा लगा हो तो। कोई बात नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन एक काम करो, आपके पास ये पैसे तो आ ही गए हैं, तो इन पैसों से आप एक दुकान खोल लो, और दूसरी बात कमाई भी आपकी अच्छी होगी और कमेटी वाले भी आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ हाँ भैया मैं सोचूंगी इस बारे में। अच्छा बेटा सुन, अब से तू पार्क में भी खेल सकता है। अगर तेरे को कोई मना करे तो मुझे बताइयो, मैं दूंगा तेरा साथ। यार एक बात बता, वैसे तूने फोन का इंश्योरेंस करवा रखा था? ना ना वो तो मैं खुद ही ठीक कराऊंगा। क्यों? क्योंकि यार मैं इनकी दुकान के पास से जा रहा था और मैंने इन्हें किसी से बात करते हुए सुना। दीदी मैं तो बहुत परेशान हो गई, कमेटी वाले आते हैं कुछ ना कुछ रोज उठा के ले जाते हैं। बहन फिर पीछे कोई दुकान देख लो ना छोटी सी। कहाँ देखूं दुकान यार, छोटी सी तो दुकान है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? ऐसा नहीं है कि आपके बजट में छोटी मोटी दुकान मिल जाएगी। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद करवा दूं ढूंढने में, कोशिश करके देख सकती हूँ। ठीक है चलती हूँ मैं बहन। तब मुझे समझ में आया कि इन लोगों की तो यार पैसे देने की यार हालत ही नहीं है, पर इन्हें पता नहीं मैंने क्या क्या कुछ बोल दिया। फिर मुझे ना यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों की मैं कैसे मदद करूं। फिर मैंने सोचा कि चल ये पैसे लेके तो आएंगे ही, जब ये पैसे लेके आएंगे तब मैं इनको बोल दूंगा कि ना किराए पे दुकान खोल लो, क्या पता यार इनकी दुकान चल जाए और इनका 2 पैसे का फायदा हो जाए। और यार देख मैं ये कभी नहीं चाहता कि इन्हें ये बात कभी भी पता चले, और मैंने ये सब जानबूझ के किया है, इसीलिए मैंने इनको इंश्योरेंस वाली बात झूठ बोली थी। किसी ने यार सही कहा है कि दाएं हाथ की मदद करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए।